Our next topic is interconnection between functional component. कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा था कि सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, उसमें CPU लगा हुआ है, माउस लगा है, कीबोर्ड लगा हुआ है, मेमोरी अटैच्ड है, मदरबोर्ड, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं और इन सबको कनेक्ट करने के लिए एक एक वायर का यूज़ किया गया है। तो ये सब हमारे मॉनिटर से कनेक्टेड है। अभी हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहें तो सबके लिए मुझे इंडिविजुअली वायर चाहिए, सबके लिए अलग अलग वायर चाहिए, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर में वायर्स का एक वेब बन जाएगा, बहुत सारे वायर्स हो जाएंगे। तो उसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इतने सारे वायर्स को आप कैसे रखेंगे। अगर मान लीजिए एक शॉर्ट सर्किट हुआ तो दूसरे वायर्स में भी आग लगने का चांस है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी, इसलिए जब हम लोगों ने कंप्यूटर को बनाया तो उसमें डेवलप किया गया सिस्टम बस का कॉन्सेप्ट। सिस्टम बस क्या होता है? सिस्टम बस एक ऐसा वायर होता है जिसमें कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स आकर के जुड़ते हैं। जैसे हम लोग ये एग्जांपल देख रहे हैं, इससे CPU भी कनेक्टेड है, मेन मेमोरी भी कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट सभी कनेक्टेड हैं। तो बस सिस्टम क्या होता है? बस जैसे कि हम लोग नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, एक कॉमन बस होती है जिसमें हज़ारों लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, उसी तरीके से सिस्टम में भी बस का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में बस का यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग जानते हैं सिस्टम बस के नाम से। सिस्टम बस कलेक्शन ऑफ वायर्स होते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ वायर का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि बहुत सारे वायर को हम लोग एक दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ वायर का मतलब है कि इस तरीके का एक रिबन रहता है, एक रिबन रहते हैं जिसमें पतले 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 वायर्स लगे हुए रहते हैं। ये सारे वायर्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं और इनमें थिन प्लास्टिक कोटिंग रहती है। इन सब में सब के अंदर पतली पतली कॉपर की वायर जाती रहती है जो हमारे सिस्टम में कनेक्ट किए जाते हैं। इसके इस साइड पर पोर्ट होता है और इस साइड पर पोर्ट होता है। इन दोनों पोर्ट्स को सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है और उस जिस पोर्ट में ये लगे हुए हैं उसी के साथ अटैच्ड, मतलब उसी पोर्ट के दूसरे जो पोर्ट्स बचे हुए हैं उनके साथ CPU, मेन मेमोरी, कंट्रोलर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सबको कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हम लोग इतने वायर्स का वेब बन रहा था वो अब नहीं बनेगा, हम लोगों को कम वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये एक पतला स्ट्रिप है तो कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए अगर हमारे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना करके रखना पड़ेगा, तो उस टाइम पे अगर एक भी वायर जलता तो हमें पूरी वायरिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ती, मतलब उस केबल को जहाँ भी वो कनेक्ट है उस केबल को पूरा चेंज करना पड़ता। पर इसमें क्योंकि ये प्लास्टर कोटेड रहता है और इसकी कैपेसिटी काफ़ी हाई रहती है तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने बोला है कि बस कलेक्शन ऑफ वायर रहते हैं तो वो अलग अलग वायर्स का समूह होता है, बल्कि वो एक रिबन में बहुत सारे कॉपर वायर रहते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग रहती है। इसका हम लोग लिख लेते हैं कि बस की डेफिनेशन क्या होगी। सिस्टम का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स इन अ सिंगल कलेक्शन ऑफ वायर्स और यहाँ से इन अ सिंगल रिबन दैट हैज़ मैनी केबल्स ऑन इट। एक सिंगल रिबन में बहुत सारे केबल्स होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि बस तो हम लोगों को समझ में आ गया, जैसे हम लोग हमारे नॉर्मल बस यूज़ करते हैं उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग बस का यूज़ करते हैं, जिससे हमें वायर्स की ज़रूरत कम पड़े, वायर्स का वेब ना बने। तो अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
बस के कितने टाइप्स होते हैं, सिस्टम बस के कितने टाइप्स होते हैं? तीन तरीके के बस हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। सबसे पहला है डेटा बस, सेकंड एड्रेस बस एंड थर्ड कंट्रोल बस। तो तीनों के काम अलग अलग होते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने बताया कि तीन तरीके के बस होते हैं, लेकिन ये तीनों तरीके के बस एक स्ट्रिप में ही आ जाते हैं। इसके लिए हमें तीन अलग स्ट्रिप की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सिंगल स्ट्रिप में, एक सिंगल जो रिबन हम लोग यूज़ कर रहे थे उसी में ये तीनों बस आ जाते हैं। तीनों बसेस के अलग अलग काम रहते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं डेटा बस। डेटा बस डेटा को होल्ड करेगा कि कौन सा डेटा अपने अंदर होल्ड करना है और कौन सा डेटा को लीव करना है। सेकंड हम लोग देख रहे हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस डेटा को कहाँ, किस जगह से पिक करना है और किस जगह उसे लीव करना है, इस चीज़ का एड्रेस रखेगा। और थर्ड है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस पूरे बस को कंट्रोल करेगा कि किस टाइम पे कौन सा बस एक्टिव है, किस टाइम पे कहाँ से डेटा लाना है, किस टाइम पर कौन से डेटा को कहाँ पर पहुँचाना है। तो तीनों तरीके के बस का अलग अलग काम होगा। अभी हम लोग एक डायग्राम और देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, और इसके साथ जुड़ा हुआ है कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। ये तीनों एक सिंगल स्ट्रिप में हैं, एक सिंगल रिबन में हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग इसके लिए तीन रिबन्स का यूज़ करते हैं। ये तीनों एक सिंगल रिबन में हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको समझने के लिए या फिर जो कंप्यूटर का एक्चुअल प्रोसेस होता है वो इस तरीके का होता है। तो CPU से तीन वायर निकले हैं और एक कंट्रोल बस के साथ अटैच है, एक एड्रेस बस के साथ और तीसरा डेटा बस के साथ। तो CPU अपने, अगर उसे अपने डेटा को किसी पे ट्रांसफ़र करना है तो वो डेटा बस की हेल्प लेगा, और उसके एड्रेस के लिए एड्रेस बस हेल्प करेगा, और किस जगह से उस डेटा को लेना है और कहाँ पर लीव करना है इसके लिए कंट्रोल बस हेल्प करेगा। सेम एज इट इज़ मेमोरी के लिए भी हम लोगों ने तीन वायर्स लगाए हुए हैं और इनपुट आउटपुट के लिए भी तीन वायर्स लगाए हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर सिस्टम बस का यूज़ नहीं करते तो ये डायग्राम कैसा होता? हम लोगों ने तीन वायर्स तो इसके लिए यूज़ किए हैं, तीन प्रोसेस तो उसमें करने ही पड़ते कि डेटा को कहाँ से लेना है, कौन सा डेटा को लेना है और किस टाइम पर लेना है, ये तीन चीज़ हम लोगों को देखनी ही पड़ती। तो इसके लिए तीन वायर, फिर इसके लिए तीन और इसके लिए तीन, मतलब CPU को मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट से कनेक्ट करने के लिए हमें 9 वायर्स की ज़रूरत पड़ती। ये तो छोटा डायग्राम है, मतलब छोटे हम लोगों ने कम वायर्स, कम कंपोनेंट को में कनेक्ट किया है। अगर हम इसी जगह पर 8 कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें 8 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी एक के लिए, और पूरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए 64 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा वायर्स का वेब बन जाएगा, बहुत ज़्यादा वायर्स हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सिस्टम बस का यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे वायर को, वेब को बनने नहीं देता है, कंप्यूटर में जो स्पेस है उसको थोड़ा कम कर देता है और इसकी वजह से मेंटेनेंस भी कम हो जाती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? जब हम लोग अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब उस टाइम पे जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बूटिंग बोलते हैं। इस पर हम लोग बोल सकते हैं कि जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करके हम लोग उसे इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं तो उसे जो स्टार्ट होने में टाइम लगता है उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग फ़ैन या टीवी को ऑन करते हैं तो जैसे ही हम लोगों ने स्विच लगाया और बटन ऑन किया वैसे ही फ़ैन और टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, उसे ऑन होने में टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब फ़ैन का बटन प्रेस किया, वैसे ही वो अपना काम करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से कंप्यूटर क्यों नहीं करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट होने में इतना टाइम क्यों लगता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो टाइम एक मिनट का ही होगा, पर वो एक मिनट क्यों लग रहा है? तो उसका आंसर है
कि उस एक मिनट में कंप्यूटर बूट होता है। बूट का मतलब क्या होता है? बूट का मतलब होता है जब कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, हम लोग ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है वो जैसे ही कंप्यूटर शटडाउन होता है वैसे ही पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, और जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं। इसलिए जब हम लोग अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं और उस पर काम करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो अभी तो उसका मेन मेमोरी पूरी तरीके से खाली है, तो उसमें कुछ तो होना चाहिए जिसमें हम लोग काम कर सकें। तो हम लोग देखें तो ये हमारा मेन मेमोरी जो अभी तक पूरी तरीके से एम्प्टी है। अब हम लोगों ने इसे ऑन होने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया, जब कंप्यूटर ऑन हुआ उस टाइम पे कुछ तो टास्क परफॉर्म होंगे, तो उसके लिए भी मेन मेमोरी में डेटा होना चाहिए, तभी तो टास्क परफॉर्म होंगे। लेकिन मेन मेमोरी तो पूरी तरीके से खाली होता है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क और रोम, हार्ड डिस्क से जो डेटा है वो मेन मेमोरी में लोड होगा, और हार्ड डिस्क से जो डेटा मेन मेमोरी में लोड होगा, जितने टाइम में लोड होगा पूरा डेटा, उस चीज़ को बोलते हैं बूटिंग। तो हार्ड डिस्क में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेव रहता है। जब पूरा कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है उस टाइम पे मेन मेमोरी पूरी इरेज हो जाती है, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो पूरा हार्ड डिस्क में जो मेन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है वो मेन मेमोरी में जाएगा और वहाँ पे लोड होगा, मेन मेमोरी में लोड होगा। तो उसे लोड होने में जितना टाइम लगता है उस चीज़ को बोलते हैं बूटिंग। तो सबसे पहले इसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा लोड होने के लिए सबसे पहले चेक करेगा उसके SMPS को। यहाँ पे हम लोग SMPS की बात कर रहे हैं। SMPS हमारे कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट होता है जो पावर को चेक करता है कि उसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पावर नहीं आ रही है तब तो कंप्यूटर स्टार्ट होगा ही नहीं। अगर पावर आ रही है तो सेकेंड चीज़ उसमें क्या होगी, SMPS सबसे पहले हम लोगों ने बात की SMPS के बारे में। SMPS को हर कंडीशन में ठीक होना चाहिए। जब तक वो ठीक है तभी तक हम लोग बूटिंग का प्रोसेस, जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, हमारा हो सकता है। अगर वो SMPS ठीक नहीं है तो फिर हम लोग उसमें किसी भी कंप्यूटर में हम लोग किसी भी तरीके का काम नहीं कर सकते। जब हमारा SMPS ठीक है तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट प्रोसेस होगा, सबसे पहले SMPS चेक होगा, देन सेकेंड जो CPU सबसे पहले अभी जंप करेगा और BIOS में चला जाएगा, जंप करके वो चला जाएगा BIOS में। BIOS स्टैंड फॉर बेसिक, BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा SMPS चेक हो गया। SMPS के बाद CPU जाएगा BIOS के पास। BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा पोस्ट का। पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे ही कंप्यूटर में पावर ऑन होता है सबसे पहले CPU जाएगा BIOS के पास, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, देन पोस्ट के पास में पहला प्रोसेस होगा पोस्ट। तो पोस्ट में क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सभी को चेक करेगा कि वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं है। अगर उस जब चेकिंग होती है उस टाइम पे हमारे कंप्यूटर से एक बीप करके आवाज़ आती है। बीप का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट ठीक तरीके से वर्किंग कंडीशन में है, अब हम लोग उसमें काम कर सकते हैं।
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, कंप्यूटर को चेक करेगा कि जितने भी पार्ट्स उससे अटेस्टेड हैं वो सारे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे फर्स्ट चीज़ क्या देखी, SMPS का ठीक होना ज़रूरी है, मस्ट है। अगर SMPS ठीक है तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। और अगर SMPS खराब है तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इसमें हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ दी है, वो है हम लोग बूटिंग की डेफिनेशन नहीं लिखी है। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When the computer switched on a copy of boot program is bought from ROM into the main memory, this process is called booting। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ROM से रीड ओनली मेमोरी से जितना भी हमारा डेटा है, रीड ओनली मेमोरी में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है उसे हम लोग कॉपी करेंगे मेन मेमोरी में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बूटिंग। उसे हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होने के लिए जितना टाइम लगेगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बूटिंग। तो इसमें हम लोगों ने दो तीन चीज़ देखी, फर्स्ट था SMPS, सेकेंड BIOS, थर्ड पोस्ट। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोगों ने कंप्यूटर ऑन किया, स्विच बटन प्रेस किया, उसके बाद एक विंडोज़ की स्क्रीन आएगी, फिर आउट हो जाएगी स्क्रीन, और उसके बाद बीप करके आवाज़ आएगी, उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आएगा, उसके बाद फिर से हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन आएगा जिसमें विंडोज़ का साइन बना हुआ रहेगा, और उसके बाद फिर हमारे आइकन्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था, इतना टाइम लगा हमारे कंप्यूटर को बूट होने में। तो था पूरा प्रोसेस बूटिंग का, जब रोम से डेटा मेन मेमोरी में या फिर रैम में लोड होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बूटिंग। इसमें हम लोगों ने एक चीज़ पे बात की, जब हम लोग काम कर रहे हैं, जब हम लोग BIOS की सेटिंग पे गए उस टाइम पे, अगर मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है और हम लोग उसी ऑपरेटिंग काम करना चाहते हैं तो वो BIOS की सेटिंग में जाएगा। BIOS की सेटिंग में जाने के लिए हमें F12 का बटन प्रेस करना पड़ता है रेगुलर, बार बार F12 का बटन प्रेस करेंगे जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा उस टाइम पर, तो वो BIOS की सेटिंग पे चला जाएगा और ठीक है, BIOS की पूरी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, पोस्ट हुआ, उसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्टेड है, किसी रीज़न से वो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, तो उस टाइम पर क्या होगा, SMPS से चेकिंग हुई कि हाँ सारे ठीक है, उसमें पावर सप्लाई आ रही है, सारे आए BIOS में, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस चेक हुए, उसके बाद ऊपर एक एरर मैसेज शो करेगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज करप्टेड। तब हम लोग क्या करेंगे, BIOS की सेटिंग में जाएंगे और वहाँ से रिपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन को चूज़ करेंगे। वहाँ पे दो ऑप्शन हमें अवेलेबल होंगे, एक तो होगा रिपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकेंड होगा चेंज अनइंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हमें सिस्टम को रिपेयर करना है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना है, तो हम लोग रिपेयर का कमांड देंगे और उसके प्रोसेस होने तक, जब तक वो रिपेयर हो रहा है तब तक हम उसका वेट करेंगे। अगर हमें उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अनइंस्टॉल हो जाएगा। उस टाइम पे फिर उसमें जितना टाइम अनइंस्टॉल होने में लगेगा उसके बाद फिर से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन अगर इन ऑप्शन चूज़ किया, अनइंस्टॉल कर दिया, अब हमें चाहिए कि हम लोग उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, तो किसी CD ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क या फिर आजकल हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है पेन ड्राइव। तो उसमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करके रख सकते हैं और BIOS की सेटिंग में जा करके न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पर जाकर जब हम क्लिक करेंगे न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वहाँ पे जाएगा कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ से लेना चाहते हैं, कहाँ से कॉपी करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क से, CD से, DVD से, पेन ड्राइव से, बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे। तो वहाँ पे आप चूज़ करिए
कि आपको जहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, देन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। आजकल हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ 8 हो गया, 8.1 हो गया, 10 हो गया। तो अगर हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करें, हम लोग विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं विंडोज़ 10 हम लोग यूज़ करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बायोस की सेटिंग में जाएंगे, बायोस की सेटिंग में जा कर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स पे जाएंगे और उस पे जा कर के इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। अनइंस्टॉल होने के बाद देन हमारे पास जो विंडोज़ 10 का नया सेटअप है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नया सेटअप है, उसको जा करके इंस्टॉल करेंगे, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के बटन पे प्रेस करके उसे इंस्टॉल करेंगे, नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 का हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। तो जब भी हम लोग ये सारे प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीज़ पे बात की, देखते हैं कि बूटिंग कितने टाइप्स की होती है। बूटिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एंड वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में डिफरेंस हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कोल्ड बूटिंग देखते हैं, मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा डिटेल दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे। तो कोल्ड बूटिंग किस तरीके की बूटिंग को कहा जाता है, तो कोल्ड बूटिंग हम लोग उस बूटिंग को कहेंगे जब कंप्यूटर को हम लोग इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल स्टेज मतलब, तो इनिशियल स्टेज मतलब जब हम लोग अपने कंप्यूटर को, मान लीजिए आज हम लोगों ने काम किया, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो हम लोगों ने उसे शट डाउन कर दिया। शट डाउन होते, जैसे ही शट डाउन होगा, तो जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, का मेन मेमोरी है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब थोड़ी देर बाद हमें फिर से काम पड़ा, तो अब हम लोगों ने उसका फिर से सेस किया। स्टार्ट प्रेस बटन प्रेस करने पर कंप्यूटर स्टार्ट होगा इनिशियल स्टेज से, उस टाइम पर सेकेंडरी मेमोरी से डेटा मेन मेमोरी में लोड होगा, रोम से मेन मेमोरी, मैं अभी यहाँ पे ऊपर पढ़ा था, रोम से डेटा मेन मेमोरी में लोड होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बूटिंग। तो जब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फिर से शुरू से सारे उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, SMPS चेक होगा, चेक होंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, चेक होंगे, उसके बाद पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन मेमोरी में लोड होगा। जब तक ये प्रोसेस होगा, मतलब इनिशियल स्टेज से ये प्रोसेस होगा, फर्स्ट चेकिंग से लेकर के लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने तक, तो देंगे कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को हम लोग हार्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। हार्ड बूटिंग इसे इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इस बूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, इन द सेंस ऐसा नहीं कि दो दिन तीन दिन लग जा रहा है, ऐसा नहीं है, उसे बूट होने में लगभग एक मिनट डेढ़ मिनट इतना टाइम लगता है, इसीलिए इसे हम लोग एकदम से वो स्टार्ट नहीं होगा, एक डेढ़ मिनट का टाइम उसे लग जाता है, कंप्यूटर को लग जाता है स्टार्ट होने में, इसलिए इसे हार्ड बूटिंग या फिर कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। कोल्ड बूटिंग के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कोल्ड बूटिंग के बारे में, अब उसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या होगी। तो व्हेन द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट, दैट इज इट इज स्विच्ड ऑन, वी कॉल्ड इट कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग। मैंने आपको बताया था कि हम लोग उसे कोल्ड बूटिंग में बोलते हैं और हार्ड बूटिंग में बोलते हैं। व्हेन द यूजर प्रेस पावर बटन, द इंस्ट्रक्शन आर रीडेड फ्रॉम रोम टू इनिशिएट द बूटिंग प्रोसेस। जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रोम से मेन मेमोरी में लोड होते हैं, तब हमारा जो कोल्ड बूटिंग है वो होता है, मतलब रोम से जब डेटा मेन मेमोरी में लोड होता है। सेकंड हम लोग देख रहे हैं वार्म बूटिंग। कंप्यूटर में वार्म बूटिंग कब होगी, हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों यूज़ करते हैं,
और कंप्यूटर और लैपटॉप में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। कंप्यूटर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर का मॉनिटर, सेकंड उसका सीपीयू, एंड थर्ड उसके कीबोर्ड और माउस। और लैपटॉप में क्या होगा, वो तीनों चीज़ तो हैं पर वो एक ही पार्ट में है। उसमें मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है और इनबिल्ट सीपीयू भी है। तो वो तीनों चीज़ हैं लेकिन दोनों में काम करने की कैपेबिलिटी एक जैसी होती है। कंप्यूटर लाइट के बिना नहीं चल सकता है लेकिन लैपटॉप हम लोग उसे चार्ज कर लें, फुल चार्ज है तो 3 घंटा 4 घंटा ईजली बिना लाइट के भी चल जाता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। वार्म बूटिंग किसे कहते हैं? वार्म बूटिंग जब हम लोग कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो विंडोज़ की स्क्रीन है वो गायब हो जाती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, वो सिर्फ स्लीप मोड पे चला जाता है, थोड़ी देर के लिए सो जाता है। मतलब उसका सीपीयू आइडल रखा हुआ है इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सो गया, उसने काम नहीं किया, स्लीप मोड पे चला गया। तो जब उस टाइम पे हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे, तो हमें उस टाइम पे कंप्यूटर को और लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे हम लोग सिर्फ रीस्टार्ट बटन को प्रेस करके या फिर रीस्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा और जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे थे उसी जगह से हमारा काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी हुआ कि हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड पे तो चला गया, उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है वो चार्ज लेगा। जैसे लैपटॉप में देखें, अगर वो स्लीप मोड पे चला गया है तो उसे चार्ज नहीं लेना चाहिए, बैटरी यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, वो फिर भी बैटरी यूज़ करेगा। अगर हम लोग रात भर अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में छोड़ दें और सुबह देखें तो हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये हो, अगर कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद नहीं है तब भी वो पावर कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा। ये चीज़ होती है नॉर्मली वार्म बूटिंग में। वार्म बूटिंग में कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, उसे स्टार्ट करने के लिए हम लोग रीस्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। इसको हम लोग सॉफ्ट बूटिंग भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग बोला था, उसी तरीके से वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग भी बोलते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं किया है तो जो भी हमारा डेटा है वो लॉस नहीं होगा, हम लोग सुबह उठकर उसी में आगे काम करने लग जाएंगे। मान लीजिए आपका कंप्यूटर डिस्चार्ज हो गया, फिर कभी वो कंप्यूटर गलती से बंद हो गया तो आपका डेटा आपने उसे सेव नहीं किया है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो चांसेस हो सकते हैं कि कंप्यूटर फिर से वहीं से स्टार्ट करे, लेकिन मे बी चांसेस हो सकते हैं कि वो डेटा डैमेज हो जाए, लॉस्ट हो जाए। और बार बार हमें अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड पे जाने से रोकना चाहिए क्योंकि स्लीप मोड में जाने की वजह से हमारे कंप्यूटर को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। कंप्यूटर डैमेज हो सकता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, जिस सेक्शन पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए वर्ड पे काम कर रहे हैं, हमने उसे सेव नहीं किया है तो वो वर्ड का डॉक्यूमेंट लॉस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। और मे बी वो क्योंकि हमने अभी तक उसे सेव नहीं किया है सेकेंडरी मेमोरी में, तो मे बी वो स्टोर रहे मेन मेमोरी में और मे बी वो लॉस्ट हो जाए। तो हम बूटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। बूटिंग व्हेन द सिस्टम रीस्टार्ट और व्हेन द रीसेट बटन इज प्रेस्ड वी कॉल्ड इट वार्म बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग। देयर आर चांस ऑफ डेटा लॉस्ट, सिस्टम डैमेज एंड सिस्टम डैमेज एज द डेटा माइट नॉट हैव बीन डेटा स्टोर्ड इन प्रॉपरली। तो ये दो चीज़ हो सकती हैं कि मे बी हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर ना हो और मे बी वो उसी जगह से फिर से वो स्टार्ट हो जाए। तो ये होता है बूटिंग।